दोस्तों ये है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का राजौरी गार्डन कैंपस और यहाँ पे ये कैंपस में नीचे बेसमेंट में भी क्लासेस होती हैं और यहाँ पर भी क्लासेस होती हैं। तो अभी हम लोग बीसी सान्याल जी के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे, तभी ये हैं मिस रितिका वर्मा। इन्होंने मुझे बताया कि ये विकिपीडिया पे हम लोग उनके बारे में जानकारी जुटा रहे थे और बीसी सान्याल जी के बारे में यहाँ देख रहे हैं आप, भवेश चंद्र सान्याल जी के बारे में चीजें लिखी हुई हैं। 22 अप्रैल 1901 9 अगस्त 2003 तक वो रहे और वैसे उनके 100वें बर्थडे पे मैं उनके साथ आईएफएक्स में शामिल था उनके उस सेलिब्रेशन में। तो इसमें बाकी सब चीजें जो उनकी डिटेल्स हैं वो तो लिखी ही हुई हैं, साथ में पढ़ते पढ़ते हम यहां पहुंचे लेगेसी में एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी हुई थी जो कि हम पढ़कर बहुत भाव विभोर हो चुके। लेगेसी में लिखा था द बीसी सान्याल अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। ये एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है हमारे लिए और इसमें ये सभी चीजें लिखी हुई थी और कन्फर अवार्ड ऑन आर्टिस्ट फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द टू द फील्ड। रेसिपेंट ऑफ दिस अवार्ड इंक्लूड अनुपम सूद, गोगी सूरजपाल, सीमा कोहली, वसुंधरा तिवारी, ब्रूटा। और वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये अवार्ड और भी बहुत सारे कलाकारों के पास जाता है, उसमें से मैं आप लोगों को यह हर साल का जो हमारा कैटलॉग होता है उसमें से निकाल के दिखाता हूं कि लगभग कितने कलाकारों के पास ये अवार्ड गया है। ये अवार्ड यहां पे ये अवार्ड दिया जा चुका है और मैं तो कहूंगा इस शब्द को भी हम यूज नहीं कर सकते, हमें बड़ा प्राउड है कि राम विसुतार जी, केशव मलिक जी, एम एफ हुसैन जी के बेटे लेने के लिए आए थे, मिस्टर कृष्ण खन्ना, मिस्टर जतिन दास, मिस्टर मंजीत बाबा उनकी बेटी लेने के लिए आई थी भावना, मिस्टर जगदीश डे, कृष्ण आहूजा जी, मिस्टर दरकर जहूर, परमजीत सर, शिवाजी पनिकर, खेमराज, रजा जैदी साहब, शारदा वकील जी के नाम से उनके रिप्रेजेंटेटिव लेने के लिए आए थे, अच्छे अनिल कुमार सेकंड लाइन में आप देखेंगे, अंजलि लमेनन जी, सुबोध गुप्ता जी, मिस्टर धीराज चौधरी, मैं उनसे पढ़ा हूं, मिस्टर जय धीरोटिया जी का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्हीं ने सबसे पहला अवार्ड रिसीव किया था और उनकी वजह से फिर आगे बढ़ पाया। अनुपम सूद मैम का मैं स्टूडेंट रहा हूं, गोगी सूरजपाल जी, इस तरह से और भी देखेंगे यहाँ,
कैमल के फाउंडर मिस्टर सुबोध तांडेकर जी, नीरेन सेन सर, अद्वैत कन्नायक जी, विमान दास सर, सुधीर तैलंग जी, और इस तरह से आप यहाँ पे ढेरों आर्टिस्ट, नामी बहुत ही आदरणीय कलाकारों के नामों को आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें रविंद्र वर्मा जी भी हैं और मिस्टर स्नेह भसीन होंगे इसमें। इसमें नीरज गोस्वामी जी भी हैं, बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं मेरे लिए, सभी लोग प्रिय हैं बहुत। कंचन मैम भी हैं इसमें, इसमें आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक अवार्ड, और श्री वी नागदास जी भी हैं जो अभी ललित कला एकेडमी के प्रेसिडेंट हैं। और ये अवार्ड हमारे हमारा प्यार, हमारा आदर जो कलाकारों के लिए है, और खास तौर से बीसी सरयाल जी के लिए, क्योंकि उनके सानिध्य में बहुत बड़े बड़े कलाकार अपने अपने कला के सफर पे निकल पाए। तो वो एक गुरु रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी लोगों का, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से विकिपीडिया पे दिल्ली कोलार फाट बड़े रिस्पेक्ट के साथ नामांकित है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आगे भी आपका प्यार, आपकी दया और आपका आशीर्वाद इस कॉलेज पे बना रहेगा। थैंक यू सो मच।